कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। हम सब आज बड़े बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी को आज की शुभकामनाएं। मैं एक बार दोबारा आपके सामने आज खड़ा हूं और दोस्तों मैंने ग्रेट मॉर्निंग लिख दिया है, तो आप सभी को मेरी तरफ से आज का दिन मंगलमय रहे, ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, बेटे तीन बातें लिखी मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये जो पेपर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बेटे जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं उसका है। तो प्लीज आप सभी अपने सामने लिखें डिविडेंड डिसीजंस। तो मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है डिविडेंड डिसीजंस। तो आप सभी चैप्टर का नाम लिख लें डिविडेंड डिसीजंस। बेटे मैं इस टॉपिक में पांच में से पांच स्टार्स दूंगा। इतना प्रीशियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये पेपर्स में आ रहा है डिविडेंड डिसीजंस। और बेटे 10 से 12 नंबर का आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, 100 में से 10 से 12 नंबर तो हर बार बेटे थ्योरी और प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है। और इस चैप्टर में मेरे बेटे हमें लगभग 4 से 5 लेक्चर्स लगी जाएंगे करते 4 से 5 लेक्चर्स हमें इस टॉपिक में लग जाएंगे करते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों इस टॉपिक में हम बेटे 25 कंसेप्ट कर लेंगे, टोटल 25 कंसेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 4 से 5 लेक्चर्स लग जाएंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आएगा, 10 से 12 नंबर का हर बार आ रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आइए, मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी मुझको एक बार कुछ बातें पहले लिख लेते हैं बेटे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है मतलब। तो मैं चाहता हूं कि एक आध चीज आप लिख ले। तो आइए जी, कंसेप्ट नंबर 1, बाकी बातें भी धीरे धीरे देखेंगे, आप पहले लिखें कंसेप्ट नंबर 1, डिविडेंड इज, पहले कंसेप्ट लिख लें फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। बेटे ए पॉइंट में मैंने वैसे यहां लिखा है इंट्रोडक्शन और मीनिंग, ए पॉइंट में लिख रहे हैं डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट to distribute dividend or not.
डिविडेंड इज अ कम्युनिकेशन चैनल, बेटा सबने लिखना है, सभी ने लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं इस समय आप। टोटल 25 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कहता हूं आप कॉन्सेप्ट 1 का सी पॉइंट जरूर लिखें, डिविडेंड इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, लिख लिया बेटे। इट डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट। डिविडेंड इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आगे लिखे बेटे डी पॉइंट, डिविडेंड इज अ डायमीटर। अभी मुझे नहीं पता ये चैप्टर है क्या, ये क्या कहना चाहता है मुझे नहीं पता मेरे बेटे। मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अभी कंसेप्ट नंबर 1 में थोड़ा सा लिखना है, डिविडेंड इज अ डायमीटर विद द हेल्प ऑफ विच प्रॉफिट्स कैन बी कैलकुलेटेड। डिविडेंड इज अ डायमीटर विद द हेल्प ऑफ विच प्रॉफिट्स कैन बी कैलकुलेटेड। डिविडेंड हैज बीन डिस्कस्ड इन कंपनीज एक्ट, इन इनकम टैक्स एक्ट, इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। आराम से बेटे लिखना जरूरी है बेटे। डिविडेंड हैज बीन डिस्कस्ड इन कंपनीज एक्ट, इन इनकम टैक्स एक्ट, इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेटे ये सेक्शन जो है गलत लिखा हुआ है, शायद ये कंपनीज एक्ट 1956 का है, कोई बात नहीं बेटे आप लिख लें अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन छोड़ दीजिए, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड कैन बी ओनली डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, एंड डिविडेंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, और इस तरह के डिविडेंड हो सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड अनक्लेम डिविडेंड। आराम से बेटे प्रपोज्ड, इंट्रीम, फाइनल एंड अनक्लेम। बेटे जी और एच पॉइंट जरूर लिख लें, बस इसके बाद शुरू करूंगा मैं बेटे कहानी किस्मत की। अंडर सेक्शन 115(o) एवरी डोमेस्टिक कंपनी हैज टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एवरी डोमेस्टिक कंपनी हैज टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। आराम से बेटे, बस बेटे अब और कुछ भी नहीं लिखना है, मैं आपको समझाऊंगा, आप बस 2-3 एंट्रीज अगर लिख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा बेटे। लास्ट पॉइंट है, फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू डिविडेंड, फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू डिविडेंड,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, बी डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो पहली एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, दूसरी एंट्री प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी डिविडेंड पेड। थर्ड एंट्री कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स टू बैंक, सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटे नरेशन भी लिख लीजिए। और लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीडीटी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीडीटी, बी डिविडेंड टैक्स रिटर्न ऑफ। आइए मेहरबान कदरदान, बेटे कंसेप्ट वन लिख लीजिए। मुझे पता आपको कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि समझाया ही नहीं है, अब समझाऊंगा बेटा, समझाया ही नहीं है तो अब समझाऊंगा, अब बताऊंगा डिविडेंड होता क्या है मेरे बेटे। आइए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि हमारे इस सब्जेक्ट में नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बेटे आराम से लिख लीजिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग थ्री डिसीजंस, बेटे इसमें तीन तरह की डिसीजंस होती हैं जो मुख्य तौर पर हम इंपॉर्टेंट फॉलो करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पहली डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरी है फाइनेंशियल डिसीजंस, और बेटे तीसरी है डिविडेंड डिसीजंस। बेटे तीन होती है बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, दीज आर द थ्री डिसीजंस टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बेटे आज हम एक ऐसी डिसीजन करने वाले हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। आप बता दीजिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्यों देते हैं, डिविडेंड का मतलब ही क्या है। बेटे डिविडेंड का मीनिंग अगर हम देखें तो पहले डिविडेंड समझ लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि डिसीजन क्या लेने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, वो बात की बात है बेटे। पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड और उसके बाद समझेंगे व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन। तो मैं आपके सामने खड़ा हूं उस समय, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए क्या मीनिंग है मीनिंग ऑफ डिविडेंड, क्या मीनिंग है डिविडेंड का। बेटे एक बात बता दूं कि डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, लिखना नहीं है मेरे बेटे, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड से
आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज एप्रोप्रिएशन, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा मैं समझता हूं कि एक कंपनी पूरे 12 महीने वर्क करती है, 12 महीने तक काम करती है और बेटे वो प्रॉफिट अर्न करती है। अब वो प्रॉफिट में से कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है और कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये डिपेंड करता है। तो बेटे डिविडेंड वो वाला पार्ट है विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। बेटे बेटे आप मानिए कि एक कंपनी है, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एक बेटे बहुत बड़ी सी दीवार है। बेटे ये आम आदमी खड़ा है, ये आम आदमी है मेरे बेटे, ये आम आदमी, ये आम आदमी है मेरे बेटे। कंपनी और इसके बीच में एक आम आदमी खड़ा है बेटे, इसके दोनों के बीच में जो दीवार है, दीवार है उसके ऊपर खड़ा हुआ फाइनेंस मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी। बेटे कभी यहां देखता है, कभी यहां देखता है, कभी यहां देखता है, कभी यहां देखता है। और बेटे ये जो मैनेजमेंट है ये 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 अगर डिविडेंड देती है तो बेटे इससे कहीं ना कहीं हम कहते हैं ये एक कम्युनिकेशन चैनल है, इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। बेटे मैनेजमेंट के बीच में और शेयर होल्डर्स के बीच में ये एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है मेरे बेटे, कम्युनिकेशन चैनल है। मेरी बात आप समझ रहे? तो आइए हम सब डिविडेंड के बारे में देख रहे हैं। बेटे कोई कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ नहीं देते, क्या करना है, कैसे है, डिविडेंड कितने प्रकार का होता है ये हमें मालूम ही है। डिविडेंड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार का डिविडेंड होता है, ये बात भी मालूम है बेटे। डिविडेंड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिविडेंड होते हैं बेटे। कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया, प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इनकम टैक्स में है बेटे, डीम डिविडेंड, सेक्शन 2, सबसेक्शन 22, क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक। तो बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं डिबेंचर होल्डर्स को जो मिलता है वो तो इंटरेस्ट है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मिलता है वो डिविडेंड है। दोनों में डिफरेंस है बेटे, एक तो इंटरेस्ट है और एक डिविडेंड है। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों चीजें अलग अलग हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं आप बात समझ रहे हैं? तो डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब डिविडेंड दे या ना दे, बेटे बहुत सारी कंपनीज देती नहीं है। वेदर डिविडेंड शुड बी पेड और नॉट, हम डिविडेंड दें या ना दें, वेदर वी शुड पे डिविडेंड और नॉट, इट इज नेम्ड एज डिविडेंड डिसीजन। बेटे हम उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। आराम से बेटे, हम डिविडेंड दें या ना दें, बेटे ये डिविडेंड डिसीजन है। तो कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं भी देती बेटे, बड़ी सारी कंपनी रहती है जो डिविडेंड नहीं देती। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं और कौन कौन सी डिविडेंड नहीं देती, एक बार नजर मारते हैं और सच में देख लेते हैं। ये देखिए बेटे आपके सामने मैंने यहां पर कुछ स्लाइड्स रखी हुई है, जैसे मैंने रखी है रिलायंस, रिलायंस
देखिए बेटे, रिलायंस 90% मैंने देखा कि लास्ट ईयर्स में डिविडेंड दिया ही नहीं उसने बेटे। रिलायंस डिविडेंड देने में बिलीव ही नहीं करती, ठीक है जी। आइए इसके बाद देखें, बड़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो डिविडेंड, अभी मैंने यहां पे लिखा कि पहली 5 बेस्ट कंपनीज जो डिविडेंड देती है, एक बार नजर मारिए, कॉलगेट पामोलिव, हॉकिंस हुकर, इमामी, एशियर मोटर्स, HDFC, ग्रह फाइनेंस, ग्रू फाइनेंस, मतलब बेटा ये 5 कंपनीज हैं जो ये लिख रहे हैं कि हम ये डिविडेंड कितना देती हैं और डिविडेंड कितना नहीं देती। तो बेटे ये देख लीजिए, मैंने ये भी लिखा है बेटे, बड़ी मेहनत की है और आपके सामने मैंने डिविडेंड की बातों को बताने की कोशिश की है। बेटे डिविडेंड अलग अलग प्रकार का होता है बेटे। डिविडेंड जैसे हीरो मोटोकॉर्प कितना दे रही है, SBI, ऑल इंडिया, ICICI बैंक, NTPC, लार्सन एंड टोब्रो, बेटे डिविडेंड पर शेयर है। तो बेटे डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है, ये बात हमने सबने समझ ली। तो मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए आप बुक को खोलें बेटे, बुक में सब है, मैं वही पेज खोलने वाला हूं। ये बेटे देखिए, ये मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ टाइम, मैंने वैसे ही डिविडेंड डिसीजन में ऐसे बेटे आपको पता है, मैंने बुक में हर जगह 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 कोटेशंस लिखी है बेटे, जिससे कि आपको फायदा हो। तो मैंने लिखा है जी द वैल्यू ऑफ टाइम, इमेजिन देयर इज अ बैंक व्हिच क्रेडिट्स योर अकाउंट ईच मॉर्निंग विद $86,400, कैरीज ओवर नो बैलेंस from day to day, allows you to keep no cash balance। बेटे आप अगले दिन लेके भी नहीं जा सकते और कैश बैलेंस रख भी नहीं सकते, and every evening cancels whatever part of the amount you had failed in use during the day। What would you do? Draw out every cent of course, but naturally आप सारे के सारे withdraw कर लोगे। Well, everyone has such a bank. Its name is time. Morning it credits you with 86,400 seconds. Every night it written off as lost. Whatever of this you have failed to invest to good purpose, बेटे आप समझ रहे हैं इस quotation का मतलब? It carries no balance, it allows no overdraft, each day it opens a new account for you each night। तो बेटे यही बात कहना चाह रहा हूँ, और एक last बात बड़ी important है बेटे, life's battle don't always go, life का battle नहीं जाता to the stronger or faster man। बेटे जो stronger होता है या faster होता है उस पे life का battle नहीं जाता, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can। बेटे last में जीत उसी की होती है जो सोचता है कि वो कर सकता है। तो बेटे मैं आज यही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं कि आपके 80 प्लस आ सकते हैं तो बेटे आएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने ये कुछ कंपनीज लेकर आया हूं, जैसे मैंने ऊपर लिखा मैंने लिखा बेटे मैनी इंडियन कंपनीज आर इन दिस पोजीशन, उसके बाद लिखा मैंने ONGC। बेटे मैंने 20-25 कंपनीज इंडिया के लिए जो कंपनीज डिविडेंड दे रही है, कितना दे रही है आपके लिए मैंने कुछ ज्ञान बताने के लिए लिखा है, आपकी बुक में भी है पेज नंबर 235।
ONGC, टाटा कंसल्टेंसी, TCS, ITC, ये ITC कितना डिविडेंड देती है बेटे, 1000% तक दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, हीरो होंडा। बेटे हमें बताया गया कि हीरो होंडा ने 1500% तक का डिविडेंड दिया है, हीरो होंडा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, आप चेक करिए इंफोसिस, डिविडेंड पेड दिस मच, लास्ट डिविडेंड इन सितंबर इज दिस मच, हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल, ICICI बैंक, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HDFC, गेल, विप्रो, और बेटे टाटा मोटर्स ने डिविडेंड कितना दिया है? टाटा मोटर्स, ऑयल इंडिया, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा स्टील। तो बेटे मैंने 20 कंपनियों को चुना, मानी हुई कंपनियों को चुना, उनके लोगोस रखे और आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। बेटे कंपनियां तो बहुत सारी है, मैंने तो 20 ही लिखी है, बहुत सारी कंपनीज देती भी नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी, डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। आइए हम थोड़ी सी बात समझ लें, हम चैप्टर कर रहे हैं बेटे डिविडेंड डिसीजंस। मैंने इससे पहले आपको ये बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड और एक कंसेप्ट नंबर वन लिखा। तो डिविडेंड डिसीजंस क्या होती हैं? टू डिसाइड whether to give dividend or not, हमें ये decide करना है कि हम dividend देंगे या नहीं देंगे। तो बेटे यहां पे लिखा है what is the meaning of dividend, और dividend decisions में लिखा है to decide whether to give dividend or not। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे चलूंगा डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई, कुछ इमेजेस दिखाई और ये बताने की कोशिश की कि डिविडेंड देना कंपलसरी है या नहीं है। तो आइए दोस्तों एक बार मैं आपके सामने फिर चलूंगा। तो बेटे डिविडेंड मान लेते हैं एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया और यहां पर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें तो यहां पर आ जाता है बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,00,000। बेटे यहां पर हम अगर डिविडेंड देते हैं तो यहां पे लिखते हैं डिविडेंड दे दिया, और डिविडेंड नहीं देते तो बेटे हम यहां पर लिखते हैं डिविडेंड, फिर सारा का सारा प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मान लेते हैं मैंने 60,000 का डिविडेंड दे दिया तो बेटे मैं 40,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, इसका मतलब मैंने 60,000 रुपए का डिविडेंड दिया 1,00,000 के प्रॉफिट्स में। तो 60,000 अपॉन 1,00,000 इनटू 100, बेटे 60% आ गया। तो ये 60% क्या है? डिविडेंड पे
आउट रेशियो, बेटे 60% क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और बेटे मैं ये आपसे पूछूं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैं वैसे ही एक जानकारी दे रहा हूं, अभी इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी देख रहे हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन ईपीएस इन 200। अब डीपीएस क्या बेटे, डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। और बेटे पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन, किस किस के बीच में बेटे रिलेशनशिप है, इन बिटवीन डीपीएस एंड ईपीएस। लो बेटे, इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन डीपीएस एंड ईपीएस। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि यहां पर रिटेंशन रेशियो कितनी है,